बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं देसी मुरक कढ़ाही, वो भी रवायती अंदाज में, बहुत कम मसालों के साथ और जायके में लाजवाब। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देसी मुरक कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए देसी मुरक 1 किलो, प्याज 2 अदद जिनको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, लहसुन 1 गड्ढी, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, टमाटर 4 अदद जिनके छिलके उतार के मैंने बारीक काट लिया है, दही 1 प्याली। स्पाइसेस में हमारे पास है नमक हसबे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, खुशक धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर में गोश्त डाल देंगे। साथ ही लहसुन अदरक डाल देंगे जिन्हें मैंने छील लिया है। पानी डालेंगे, इतना पानी डालना है जिसमें हमारा गोश्त अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। चूल्हा ऑन करेंगे और तकरीबन आधे घंटे में हमारा गोश्त गल जाएगा। अभी इसके नीचे आंच फुल है, जब इसकी विसल बजने लगेगी तो मैं इसकी आंच मीडियम कर दूंगी। आधा घंटा हो गया है, अब हम इसको चेक करेंगे। चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और इसका पानी भी खुशक हो गया है। अब हम इसको साइड पर रखेंगे और चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया है, बस इतना ही रखना है, इसका ज़्यादा कलर नहीं निकालना। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम इसकी लो कर देंगे और ढक के रख देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। हांडी को कवर करके रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक करेंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। अदरक और लहसुन को मैंने हटा दिया था क्योंकि हमें उसका रस ही चाहिए था, जो कि अच्छी तरह से गलाने के दौरान निकल चुका है। चिकन डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस डाल के हम इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ चिकन की बेशुमार रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ, तवा चिकन, फ्राइड चिकन, चोलिस्तान की मशहूर चिकन कढ़ाई। आप लोग उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगी। मसाले यहाँ पे चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डालते वक्त आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर दही डालेंगे तो दही डालते ही फट जाएगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। 1 मिनट के लिए हम इसको लो हीट पे ही मिक्स करेंगे।
एक मिनट हो गया है, अब हम इसकी आंच फुल कर देंगे और कढ़ाई की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। बुनाई करते हुए हम इसमें थोड़ी सी लंबाई में कट की हुई अदरक और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। आधी मैं अभी डाल रही हूँ और आधी हम गार्निश करते वक्त डालेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बुनाई हमने अच्छी तरह से कर ली है, देसी मुर्ग कढ़ाई हमारी यहाँ पे तैयार है। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे, हरी मिर्चों और अदरक के साथ इसको गार्निश करेंगे और सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार देसी मुर्ग कढ़ाई यहाँ पे तैयार है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। हैव अ गुड डे, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।